أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक बार आप इस वीडियो को देखकर इस एप्लीकेशन के मास्टर बन जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में कि पता नहीं कि इस्तेमाल ये एप्लीकेशन क्या है, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। आप लोग जब एक बार देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएं। एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। इस एप्लीकेशन का नाम है वीवर्स काइन मास्टर, जो कि एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। सारी वीडियो एडिटर के मुकाबले में ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। बहुत ये वैल्यू एंड तक दिखिए आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में टाइप करना है काइन मास्टर। काइन मास्टर काइन मास्टर टाइप करने के बाद आप लोगों को काइन मास्टर का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने पहले से इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन तक पर और इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो फिर मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर पर। ठीक है, मैं काइन मास्टर मैं सर्च करता हूँ और काइन मास्टर को देखता हूँ। अभी काइन मास्टर इधर आया हुआ है। काइन मास्टर पर क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को भी ऐसा करना है। ठीक है, तो इसमें से तीन ऑप्शन है, इसमें तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है इसमें से। इस तो आप लोगों को क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें से तकरीबन चार परमिट है, यूट्यूब के लिए है, इंस्टाग्राम के लिए है, आम वीडियो बनाने के लिए है। इनमें तकरीबन एक दो तीन चार पाँच छः ऑप्शन है। आप लोगों को पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिस पर आप जिसकी मकसद के लिए वीडियो बना रहे उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं पहले पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आया। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल से एक वीडियो जो वीडियो बनाना चाहते हैं उस वीडियो को मोबाइल से ले लीजिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो को मोबाइल से ले लिया। ठीक है, तो अभी इसके जो है ना इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने दो पिक्चर ले लिए हैं, इन पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो लेते हैं और पिक्चर लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपने वीडियो ले लिया। अभी अगर आपको कोई और चीज़ लेना हो तो आपको यह जो निशान नज़र आ रहा है चार, इसमें मीडिया लिखा हुआ है और ये दूसरा जो है लेयर टू में ऑडियो है, म्यूज़िक है, रिकॉर्ड है वगैरह। आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग सब, मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्या मैंने सेलेक्ट किया लेयर, लेयर में आप लोगों को तकरीबन एक दो तीन चार पांच ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से आपको जो भी सेलेक्ट करो, अपनी दूसरे मीडिया फाइल लेना है एज अ लेयर, या टेक्स्ट लिखना है, या इफेक्ट्स देना है, जो भी स्टिकर देना है आप लोगों को किसी हिसाब से देना होगा। तो मैं पहले लेयर लेता हूँ। ठीक है, लेयर लेता हूँ। लेयर लेने के बाद ये लेयर मैंने ले लिया। ठीक है, अभी इधर आ गया। इसको जो है ना आप लोगों ने यहाँ सर्च करना है स्प्लिट स्क्रीन, जो है ना यहाँ आप लोगों ने नीचे आना है, स्प्लिट स्क्रीन पर स्क्रीन करना है और स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये बिल्कुल स्क्रीन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने इधर टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोगों दोबारा लोगों को दोबारा ये जो लेयर का ऑप्शन है इस पर जाना पड़ेगा और इसके बाद आप लोगों को टी पर क्लिक करना है। टी पर क्लिक करने के बाद मैं लिखते लेता हूँ जलाल हुसैन, जलाल सर ऑफिशियल। आप लोगों को समझाने के लिए जो भी लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखता हूँ जलाल सर ऑफिशियल। ठीक है ना, जलाल सर ऑफिशियल डबल है। मैंने जलाल सर ऑफिशियल लिख दिया। अभी आप लोगों ने इस पर ओके क्लिक करना है। ओके मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप लोगों को इसका फॉर्म चेंज करना है तो इस पर आइए। इसे आप लोगों को जहाँ भी रखना है वहाँ आप इस अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इस हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये टेक्स्ट जो है ना इसके ऑप्शन है मुख्तलिफ। आपको अगर इसका बैकग्राउंड कलर देना हो बैकग्राउंड, ठीक है सॉरी, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसे बड़ा कर लिया। आप जहाँ आपने जहाँ इसे रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे रख लेता हूँ
पर क्लिक करके मैं इसे, जब भी हाईलाइट होता है तो इसे आप कर सकते, ठीक है। मैं अभी इसे बड़ा कर लेता हूँ, मैंने इसे यहाँ रख दिया। इस पर अभी इस पर मज़ीद ऑप्शन में इंशाल्लाह इसके बारे में एक और वीडियो भी बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा, ठीक है। अभी मैं ये जो टैक्स है ना, बाकी वीडियो वगैरह के बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ठीक है, बैकग्राउंड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसी के, अगर आपको सिर्फ इसी जो टैक्स है इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप सारे सारे टैक्स के पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आपको ये नीचे वाला ऑप्शन जो है ना इसे ऑन करना पड़ेगा, और इस पर क्लिक करके इस कलर, इसका कलर चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ ब्लैक, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, ब्लैक मैंने चूज़ किया, ठीक है। अभी मैं इसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसे इसका जो है ना कलर ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, सारा जो है ना बैकग्राउंड के पीछे आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस टैक्स के रावर ऑप्शन जो है ना वो देखना चाहते हैं तो अगर इसमें से ग्लो है तो अगर आप टैक्स को थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो है ना ये ग्लो ग्लो का ऑप्शन जो है ना इस पर क्लिक करके इसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये ऑन हो गया तो ये येलो कलर का है, आपको इसका कलर चेंज करना है। मैं तो रेड देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी देते हैं, लेकिन रेड थोड़ा सा अच्छा है, अट्रैक्टिव कलर है, ठीक है। अभी मैं इसका जो है ना ये बड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ग्लो, ठीक है। अभी इसका ग्लो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको और भी ज़्यादा करना चाहते हो नीचे से आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है, ग्लो का ऑप्शन है, स्लाइड शो का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप टैक्स को स्क्रोल करना चाहते हैं, इस जो है ना इसी वीडियो पर स्क्रोल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया तो आपको दोबारा मीडिया पर जाना पड़ेगा और एक दो फाइल और भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, फाइल बहुत छोटे हैं। तो इसलिए ये भी कर सकते हैं कि इसकी डुप्लीकेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप इसका डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट, ठीक है, ले लें, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने टैक्स लगाया था इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसके डुप्लीकेट लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ आए जाए, ठीक है। और मैं इसका एक और डुप्लीकेट लेता हूँ ताकि टैक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, आपको मज़ा आएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं टैक्स के लिए, इसके बहुत से ऑप्शन हैं, जिस तरह इन एमिनेशन है, आउट एमिनेशन है, कलर है वगैरह, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के एक दिलचस्प टैक्स स्क्रोलिंग के बारे में बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस टैक्स को इस पर स्क्रोल करना चाहता हूँ, राइट स्क्रोल करना चाहते हैं, बैक स्क्रोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, तो ठीक है। अभी ये जो की का निशान नज़र आ रहा है, चाबी का निशान, तो इस पर क्लिक करें और इसे आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेते जाए, ठीक है। इधर आपको प्लस का ऑप्शन राइट साइड, इधर इसी साइड पर आपको इस तरह साइड पर आपको जो ऑप्शन आ रहा है प्लस का, तो उसको प्लस करेंगे, नहीं सॉरी, अभी पहले आपको ऐसा करना है कि वीडियो को, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है, इस टेक्स्ट को जहाँ से आप स्क्रोल करना चाहते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊँ। पहले आपको लोगों को, मैं टेक्स्ट को इस तरफ स्क्रोल करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं टेक्स्ट को अभी इधर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में इधर बिल्कुल गायब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको चाबियों जो है ना ये चाबी का इस पर अभी क्लिक करना है, ठीक है। जब आपने इस पर अभी क्लिक किया तो अभी प्लस का निशान लगा है, ठीक है। तो आप बैक आ जाइए, फिर ये जो टेक्स है ना इसको आपने इस तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो टैक्स जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो टैक्स इसी तरफ हरकत है, ठीक है। मैं आपको इसका जो है ना प्रीव्यू दिखाता हूँ, अभी मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि कैसा हो सकता है, ठीक है, कैसे आता है। आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो का मज़ा आएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अभी आप मैं प्ले करता हूँ तो ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि किस तरह स्क्रोलिंग कर सकता है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि ये जो आप या मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और मेरी साइड पर ये जो है ना ये मोबाइल का निशान नज़र आ रहा है, मोबाइल सब कुछ, मोबाइल भी नज़र आ रहा है, मैं भी बातें कर रहा हूँ, मोबाइल भी नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।